गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद सैटरडे को साइंस मॉनिटर आता है, दो चार पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है यहाँ पर, पहले भी हमने बहुत कर चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो कुछ खास ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वही एमीसेट के बारे में जो हमने एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल किया है, तो रिकॉलिंग है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान प्रसार और आकाशवाणी ने मिलकर एक रेडियो सीरियल स्टार्ट किया है। आप किसी भी आंसर्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। उसकी थीम है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन वो ग्लोबल वार्मिंग। ये असल में ये क्या है कि रेडियो पे एक कार्यक्रम आएगा, 52 कड़ियों में आएगा और क्लाइमेट से संबंधी बातें करेगा, मतलब बदलती फिजाएं, मतलब कुल मिलाकर के अवेयरनेस फैलाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो रेडियो भी किस तरह से जन जन तक क्लाइमेट से अवेयर कराएगा, आप किसी भी आंसर्स के अंदर इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, NAP नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में जो बात की गई है तो इसको भी ध्यान में रख करके किया गया है। आप अच्छी तरह से समझ रहे हो यहाँ पर कि नेशनल सोलर मिशन हो, चाहे नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशेंसी हो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट हो, नेशनल वाटर मिशन हो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल द हिमालय इकोसिस्टम हो, मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया हो, इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो और ना क्लाइमेट चेंज नॉलेज की बात हो। तो मतलब कहने का है कि इन सब को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है सो ये इस तरह से क्लाइमेट की बात आप देख सकते हो किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट एक नई छोटा सा टर्म है बट इम्पोर्टेंट हो जाता है, रोबो बोट क्या होता है। ये चेन्नई में अभी परीक्षण किया जा रहा है। ये रोबोट ऐसा होगा, मतलब असल में ये पानी, इसमें सेंसर वगैरह इस तरह के लगे हैं कि ये इजिली किसी भी जगह पे जा सकते हैं, घाटी एरिया में जा सकता है, बर्फ, मतलब जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर ये जा करके पानी कितना गंदा है, क्या है, नहीं है। तो इस तरह से इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और आर्कटिक क्षेत्र, इन जगहों पर इसको डाला जाएगा। ये दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पर विज्ञान समागम स्टार्ट हुआ है, नया एक टर्म। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, विज्ञान समागम। हमारे चार महानगर जो है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये चलेगा 19 से 20 तक, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसके बाद ये आता है और यहाँ पर देखो दो चार बातें हैं। ये जो विज्ञान समागम है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जानते हैं हम लोग, फैसिलिटी फॉर एंटरप्राइजेस एंड आयन रिसर्च, इंडियन बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये जो तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में जो इंडियन बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो हम बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के थेनी में, आपको याद होगा। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, लेजर इंफ्रामीटर प्रोटेक्शन वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो जिसको हम लोग बोलते हैं, रिक्वायर किलोमीटर एरे, ये एक टेलीस्कोप है, 30 किलोमीटर टेलीस्कोप, ये भी एक टेलीस्कोप है, मतलब इन सबको मिला करके ये काम करेगा। नेक्स्ट, नए अध्ययन के मुताबिक, अभी एक नया स्टडी किया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ स्टडी किया गया है और इसमें पाया है कि 16 नदी घाटियों में मिट्टी के अंदर जो नदी की घाटियां होती हैं, नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ये नदी बह रहा है तो ये नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये नदी के आसपास का, जहाँ पे पानी की मिट्टी में जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होते हैं, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो 90 प्रजातियाँ इंडेंजर्ड हो गई हैं, मतलब विलुप्त होती जा रही हैं। ये चाइट्रियोमाइकोसस करके आप इसको प्रोनाउंस कर लेना, देख लेना, CHYTRIDIMOCOSIS, मतलब कुल मिला करके ये जो मेढक होते हैं, इसकी बहुत सारी प्रजाति ऐसी हैं जो लुप्त हो गई हैं इस बीमारी के कारण, ये चाइटोमेटोसिस जो है इस बीमारी के कारण। नेक्स्ट बात करें तो ICT का भविष्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, फ्यूचर के बारे में बात करें तो एजुकेशन की बात करें, बैंकिंग के बारे में बात करें, हेल्थ केयर के बारे में बात करें, मास मीडिया के बारे में बात करें, वेदर प्रोडक्शन के बारे में बात करें, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो एक ही ख्याल आता है, ये जो टेक्नोलॉजी है,
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत आगे चलते जा रहे हैं। भविष्य में इस तरह का हो सकता है, मतलब एक्चुअल में ये एक स्मार्ट कार्ड होगा जिसके अंदर आपका स्मार्ट कार्ड डाला जाएगा, मतलब एक तरह से मोबाइल की तरह ये डिवाइस होगा, ये चिप डाला जाएगा इसके अंदर, एंट्री किया जाएगा और आपके बॉडी में किस तरह का जीनोम के आधार पे किस, क्योंकि डाटा बैंक उन लोगों के पास होगा, डॉक्टर्स के पास होगा, आपके बॉडी को किस कब किस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक बता देंगे और डॉक्टर बता सकते हैं, आसानी होगी। कहने का मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये इस तरह की बातें आगे हो सकती हैं। वही बातें जेनेटिक एडिटिंग में के बारे में बताया गया है, स्वास्थ्य में क्रांतिकारी, मतलब जो हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, खेती वगैरह करते हैं। देखो नेशनल नॉलेज नेटवर्क, गवर्नमेंट का ये पोर्टल है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके माध्यम से ICT बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये इस तरह की बातें होती हैं। और आजकल जो गांव में जो लोगों ने भी एंड्रॉयड ऐप यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम और अ मशीन कैन परफॉर्म द सेम जॉब्स एज अ ह्यूमन ब्रेन, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह वो काम करने लगता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इट इज़ टर्म्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलन ट्यूरिंग ने स्टार्ट किया था और इन्होंने दो साइड में एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब ये जो बोलता था ये भी वही बोलता था, तो इसमें कॉम्बिनेशन कितना होता था, इस तरह से वो कितना परफेक्शन है उसका, उसके अनुसार होता था। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी चीज़ मोबाइल पर टेक्स्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, तो ये भी चलता है। डिजी लॉकर, हम अच्छी तरह से डिजिटल लॉकर के बारे में जानते हैं, डिजी लॉकर, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, इसको इसके ऊपर डाल सकते हैं, आगे पेपर वगैरह हमारा बचाया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज बचाया जा सकता है, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह क्या चीज़ें, इस तरह से लॉग इन होता है, लॉग आउट होता है। यहाँ पर आप रैपिड के तरह, रैपिड जो एक सिस्टम होगा एक्चुअल में, ये कहाँ पर कितना फॉग है, किस तरह की सिचुएशन है, तो रेलवे में ये रैपिड जो है सो काम आता है, आ सकता है। रैपिड में गंभीर मौसम के बारे में बताया जाता है, तो ये बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था, थैंक यू।